नमस्कार, जय हिंद, सुस्वागत है मेरी चैनल एक्सप्लोर विद रौनक की एक और नया वीडियो पे। पिछले वीडियो को इतना प्यार देने के लिए दिल से शुक्रिया। सो ये वीडियो पिछले वीडियो का ही एक डिटेल एक्सप्लेनेशन है कि नया रू के बारे में ही मैं आज बात करूंगा। सो ये रूट होगी काठमांडू टू काठमांडू। आप दिल्ली से काठमांडू जा सकते हो। उसके बाद मैं ये टोटल रूट बता देता हूँ। ये रूट है काठमांडू टू काठमांडू। सो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। वन सेकंड, मैं रौनक। तो इस वीडियो का दो पार्ट है, एक आप ऐसे जा सकते हैं, सेकंड इसका क्या रूट है, और लास्ट मैं बताऊंगा कि रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ कि नहीं हुआ, कब हो सकता है उसके बारे में। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं ये वीडियो। तो पहला दिन होगा, आप काठमांडू एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, वो रात आप काठमांडू पे ही रुकेंगे। उसके नेक्स्ट दिन ब्रेकफास्ट करने के बाद आपको काठमांडू के साइट सीन कराया जाएगा। पशुपतिनाथ टेम्पल है, जैन नारायण टेम्पल है। ये टेम्पल विजिट करने के बाद आपको लेकर जाएगा दुमचे के, और दुमचे वो प्लेस है जो सी लेवल से करीब करीब 2000 मीटर की ऊंचाई पर है और 130 किमी की दूरी पर है काठमांडू से। आपको यहाँ पर लेकर जाएगा, आप इस जगह पे उस रात रुकेंगे। तो उसके नेक्स्ट दिन आपको लेकर जाएगा किरम कंट्री पर। ये एक प्लेस है जो दुमचेन से लगभग 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। आपका यहाँ पे परमिट रजिस्ट्रेशन सब कुछ चेक होगा। इसके बाद आपको लेकर जाएगा डोंबा के लिए। डोंबा वो प्लेस है जहाँ से मानस सरोवर की दूरी सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 घंटे का है, और आप वहाँ पे जाओ। वहाँ पे एक दिन रुकने के बाद उसके नेक्स्ट दिन आपको मानस सरोवर लेक विजिट कराया जाएगा। मानस सरोवर लेक विजिट करने के बाद आपको अगले दिन डार्चेन के लिए निकलना पड़ेगा। तो डार्चेन वो प्लेस है जहाँ से माउंट कैलाश की यात्रा स्टार्ट होती है। आपको दो दिन, फर्स्ट डे ऑफ परिक्रमा, सेकंड डे ऑफ परिक्रमा कराया जाएगा। फर्स्ट डे ऑफ परिक्रमा में आपको डार्चेन पे ही रुकना पड़ेगा, और सेकंड डे परिक्रमा में आप पूरा माउंट कैलाश को घूम सकते हो जो परिक्रमा होगा। तो उसके बाद आपको डार्चेन से डोंगबा के लिए निकलना पड़ेगा उसके नेक्स्ट दिन। तो डोंगबा से आपको लाया जाएगा क्रियांग के लिए। क्रियांग के बाद आपको लेकर जाएगा काठमांडू के लिए। काठमांडू से आप अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हो। ये है टोटल नया रूट। तो पहले बात करते हैं आप कैसे ये यात्रा कर सकते हैं। असल में ये यात्रा केएमवीएन के द्वारा कराया जाता है, जिसके इंडियन गवर्नमेंट के साथ एक टाइप है। केएमवीएन का पूरा नाम है कुमायुन मंडल विकास निगम। तो पहला स्टेप आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जो कि आप केएमवीएन के साइट पे करेंगे। पिछले वीडियो पे मैं दिखाया था आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे डाल देता हूँ, तो आप वहाँ से देख लीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे आपको केएमवीएन को एक 5000 रूपए नॉन रिफंडेबल अमाउंट देना पड़ेगा। अगर आप ग्रुप पे जा रहे हो तो सबकी अलग अलग रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। तो केएमवीएन ये यात्रा बैच वाइज कराती है, और एक बैच पे 30 जून अलाउड है। जब ये एक बैच का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है, तो आपको केएमवीएन के द्वारा सूचित किया जाता है मैसेज के द्वारा और फोन करके। सो इसके बाद आपको आना पड़ेगा दिल्ली आपका मेडिकल चेकअप कराने के लिए। तो एक बात याद रखना, ये मेडिकल टेस्टिंग टाइम कंज्यूमिंग है, तो मिनिमम 2 से 3 दिन लग जाएगा। यहाँ पर आपका हीमोग्लोबिन, ब्लड शुगर, क्रिएटिनिन, ब्लड यूरिया, ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, और चेस्ट एक्सरे, ईसीजी, बीएमआई भी चेक होती है। ये सब टेस्टिंग के बाद आपका एक रिपोर्ट जेनरेट होगी। अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप कैलाश मानस सरोवर यात्रा के लिए एलिजिबल है। अगर आप इस मेडिकल टेस्टिंग पे फेल कर जाते हैं तो आपको घर वापस आना पड़ेगा। आप जो 5000 रूपए दिए थे वो नॉन रिफंडेबल है, वो आपको नहीं मिलेगी। एक बात की ध्यान रखना, आपका एक वैलिड इंडियन पासपोर्ट रहना बहुत जरूरी है। मैं एलिजिबिलिटी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए। ये यात्रा करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इंडियन पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, आपको वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये यात्रा करने के लिए आपको मिनिमम 25 से 30 दिन लग जाएगी। आपका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी केएमवीएन की है, होटल से लेकर खाना सब केएमवीएन के द्वारा कराया जाती है, तो आप इस बात की टेंशन मत लीजिए। और आपके साथ एक गाइड और एक सिक्योरिटी भी रहेगा। सॉफ्ट ड्रिंक्स और अल्कोहलिक ड्रिंक्स स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है इस यात्रा के लिए, और आप ट्राई करें कि आपकी लगेज की वेट 15 kg से ज्यादा ना हो। केएमवीएन की इस पैकेज पे ट्रांसपोर्ट, अकोमोडेशन, खाना, लगेज सब कुछ इंक्लूड होती है। आप, मैं आपको बताऊंगे पूरे रूट के बारे में, कहाँ से ये यात्रा शुरू होती है और क्या ट्रांसपोर्ट यूज होती है। तो ये यात्रा शुरू होती है देश की राजधानी नया दिल्ली से। तो दिल्ली से पहले आपको जाना पड़ेगा अल्मोड़ा, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। ये रास्ता आपको बस से कवर किया जाएगा। सफर के टाइम आपको जगह जगह पर रोका जाएगा, तो सभी व्यवस्था केएमवीएन के द्वारा कराया जाएगा। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है।
तो अल्मोड़ा से आपको निकलना पड़ेगा धारचूला की तरफ। ये डिस्टेंस भी आपको बस से कराया जाएगा। तो इस रास्ते पे आपको बहुत सारे गांव दिखेगा, आप वहाँ पे रुक सकते हैं और रुकने की व्यवस्था पूरा कैंपेन का ही है। ये एक पैकेज टूर होती है। तो धारचूला पहुँच के अरेस्ट करने के बाद आपको निकलना पड़ेगा पांगला की ओर। यहाँ से ही आपको ट्रेकिंग चालू करनी है। ट्रेकिंग के रास्ते आप टेस्ट करते करते आप पहुँच जाएंगे लिपू लेक, जो कि इंडिया और चाइना की बॉर्डर पे है। तो लिपू लेक से आपको पवित्र ओम पर्वत दिखेगा। तो नेक्स्ट वीडियो पे हम ओम पर्वत के बारे में बात करेंगे। तो आपका यहाँ पे परमिट की चेकिंग होगी, जो केएमवीएन के द्वारा दिया जाएगा। तो लिपू लेक से आप निकलेंगे तकलकोट की तरफ। ये रास्ता आपको बस से ही कवर किया जाएगा। तो अगली सुबह आप निकलेंगे दार्जिलिंग के लिए। रास्ते में आपको पड़ेगा मानसरोवर लेक और राक्षसर लेक। इतनी हाइट पे एक मीठे पानी का लेक सच में एक अलग चमत्कार है। आप मानसरोवर लेक के पास बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं। तो दार्जिलिंग पहुंच के आप स्टे करेंगे। यहाँ पे अगेन आपकी परमिट की चेकिंग होती है। तो परमिट आपके साथ ऑलवेज रखनी है, जो कि केएमवीएन के द्वारा दिया जाएगा। तो अगली सुबह आप निकलेंगे माउंट कैलाश की तरफ, जिसको देखने के लिए आप इतना मेहनत करके आए, तो वो नजारा आपको देखने को मिलेगा। और एक बात, आप माउंट कैलाश की परिक्रमा भी कर सकते हैं, जो कि है 102 किलोमीटर। ये करने के लिए आपको 3-4 घंटे लग जाएगी, जो कि आपको बस से ही द्वारा कराया जाएगा। सो कैलाश पर्वत देखने के बाद आप जैसे गए थे वैसे ही रिटर्न जर्नी भी होती है। तो आप रिटर्न करके दिल्ली आ जाइए। ये टूर दिल्ली टू दिल्ली होती है। ये यात्रा आपके जिंदगी में एक अचीवमेंट होगी, क्योंकि ये यात्रा करने के लिए आपको महादेव की आशीर्वाद चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पर नया है तो अभी तक रजिस्ट्रेशन कुछ नहीं स्टार्ट हुआ, तो जब होंगे तो बताएंगे। ये जो साइट है ये स्ट्रीफर्स नया रूट को पढ़ने के लिए है। सो हैव अ नाइस डे। बाय बाय।